नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। आज हम लोग मध्य प्रदेश जीके का ऑब्जेक्टिव टेस्ट 15 देखेंगे। इससे पहले 14 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज भी हम लोग पिछले टेस्ट की तरह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, इतनी देर में आपको अपना जवाब देना है और उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताऊँगा। लेकिन इससे पहले हम लोग टेस्ट शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश जीके ऑब्जेक्टिव टेस्ट 15। क्वेश्चन नंबर 1, भीमबेटका इज सिचुएटेड इन। भीमबेटका निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं रायसेन, भोपाल, सिवनी या अशोकनगर। सही जवाब है रायसेन। भीमबेटका जो है वो रायसेन जिले में उबदुल्लागंज नामक स्थान पे है, तो ये सही आंसर है रायसेन। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय। भीमबेटका किसके द्वारा खोजी गई थी? ऑप्शंस हैं आरडी साहनी, बीएस वर्मा, एपी सिंह या वीएस वाकणकर। सही जवाब है वीएस वाकणकर। वीएस वाकणकर एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने ही भीमबेटका नामक शैलाश्रय की खोज की थी, जो कि दुनिया के सबसे पुराने इंसान का रिहायशी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर इन। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यानी शैलाश्रय किस ज्योग्राफिकल रीजन में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं सतपुड़ा हिल्स, मालवा प्लेन्स, बघेलखंड प्लेटू या उपरोक्त में कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा की पहाड़ियों में भीमबेटका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर फ्रॉम। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किस समय से संबंधित हैं? ऑप्शन है पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, स्टोन एज या ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है पैलियोलिथिक एज। ये प्रागैतिहासिक काल के रॉक शेल्टर्स शैलाश्रय हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी कि सबसे पुराना समय जब इंसानों का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, तब की बात है ये। तब से भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इस दुनिया में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उदयगिरी केव्स आर सिचुएटेड इन। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शंस हैं विदिशा, रायसेन, सीधी या छतरपुर। सही जवाब है विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उदयगिरी केव्स आर एसोसिएटेड विथ। उदयगिरी की गुफाएं निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं गुप्ता पीरियड, कल्चुरी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी या चंदेल्स ऑफ ओरछा। सही जवाब है गुप्ता पीरियड। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं और इसमें अधिकतर गुफाएं जो हैं वो धार्मिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वराह इनकार्नेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड इन विच केव ऑफ उदयगिरी। उदयगिरी की गुफाओं में विष्णु के वराह अवतार को किस गुफा में दिखाया गया है? ऑप्शंस हैं केव नंबर 1, केव नंबर 3, केव नंबर 5 या केव नंबर 7। सही जवाब है केव नंबर 5। 7 का सही आंसर है सी, केव नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिलीजन इज नॉट एसोसिएटेड विथ उदयगिरी केव्स।
उदयगिरी की गुफाओं में कौन से धर्म से संबंधित गुफाएं नहीं हैं? ऑप्शंस हैं हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या इस्लाम। सही जवाब है इस्लाम। उस समय भारत में इस्लाम नहीं था, इसलिए इस्लाम से संबंधित कोई भी गुफा उदयगिरी की गुफाओं में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भरथरी केव्स आर सिचुएटेड इन। भरथरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? ऑप्शंस हैं विदिशा, उज्जैन, महेश्वर या पचमढ़ी। सही जवाब है उज्जैन। भरथरी की गुफाएं उज्जैन में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाघ केव्स आर सिचुएटेड इन। बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं? ऑप्शंस हैं धार, ओरछा, उज्जैन या विदिशा। सही जवाब है धार। बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे। आपको यदि हमसे कुछ कहना है, हमसे हमें कोई फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।